नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इजी एंड हेल्दी के इस सेशन में। आज से मैं आपके साथ बच्चों के लिए विशेष प्रकार के स्नैक्स और कुकिंग की जो भी रेसिपीज हैं वो शेयर करना चाहूंगी। स्पेशल कुछ नहीं बताऊंगी और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका आविष्कार मैंने किया है। ये सारी इन जनरल चीजें हैं जो आपको कहीं भी किसी भी रेसिपी बुक में मिल जाएगी, पर हाँ, जो भी मेरे अपने अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, जब भी आपका बच्चा छोटा है 6 महीने का और आप उसको पहली बार खाना खिलाना शुरू करते हैं, तो उसको घर के खाने की आदत डालिए। अगर उसको घर के खाने की आदत उस समय से जब पड़नी शुरू हो जाती है, तो जब वो बड़ा होगा तो भी उसे वो खाना पसंद आएगा और वो उसको बहुत शौक से खाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी बाहर का खाना ना खिलाएं, लेकिन उसको सबसे पहली चीज घर के खाने की आदत होनी चाहिए, जिससे उसकी जो लाइफ में एक हेल्दी इनपुट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा रहें। अब सपोज मैंने अपने बचपन में कभी पिज्जा नहीं खाया या मैंने कभी भी चाइनीज फूड नहीं खाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब चाइनीज या इटालियन फूड पसंद नहीं करती हूँ। मुझे पसंद है, लेकिन अभी भी आदत ऐसी है कि जब तक घर का दाल चावल या घर की दाल रोटी नहीं खाई तब तक पेट भरा हुआ सा नहीं लगता। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने बच्चों को घर के खाने की जरूर आदत डालें। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी ऐसी जगह में रह रहे हैं, यानी विदेश में कहीं रह रहे हैं, जहां आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उनके साथ के बच्चे उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, खाने को लेकर बहुत सी मजाक बनाते हैं, तो आप अपने बच्चे के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कीजिए या इतना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी मम्मा मेरे लिए बेस्ट बनाती है और बेस्ट ये मेरे लिए बेस्ट फूड है, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है जिंदगी में। अदरवाइज बहुत से बच्चे अपने घर का खाना स्कूल ले जाने में हेजिटेट करते हैं कि मम्मा मुझे ये खाना नहीं पसंद है, मैं नहीं लेके जाऊंगा या जाऊंगी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। आपको बचपन से उन्हें ये बात समझानी होगी कि हम आपके लिए जो करना चाहते हैं वो अपना बेस्ट करते हैं और ये खाना आपके लिए हम बहुत मन से घर पे बनाते हैं। शायद जो आपकी मजाक बना रहा है उसकी मम्मा उसके लिए ना बनाती हो। और हाँ, तीसरी बात, जरूरी नहीं है, आजकल लोग इतने ज्यादा बिजी रहने लगे हैं कि उन्हें इन सब चीजों की फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगी, जब भी मौका मिले आप अपने घर में खाना अपने आप बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे भाव होते हैं। अच्छा, क्या कभी आपने देखा है जब आप कभी मंदिर जाते हैं या कभी मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं और वहां से प्रसाद लेते हैं, उस प्रसाद में कितना स्वाद लगता है, क्योंकि वहां पे जो उसको बनाने वाले लोग हैं उस टाइम जब वो उसको बनाते हैं तो वो काफी सारे मंत्र पढ़ते हैं, काफी शब्द वाणी जो भी है अपने मन को शुद्ध रखने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर वो उस प्रसाद को बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए खुद खाना बनाएंगे तो आपका उसमें एक फीलिंग होगी, आपका एक भाव होगा जो कि एक एम्प्लॉय नहीं दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुक ये खाना बना रही है तो उसके लिए ये सिर्फ एक जॉब है, उसको इसके बदले में पैसा मिलना है, तो वो सिर्फ अपना काम कर रही है। लेकिन अगर आपको अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी और अपना फीलिंग देना है तो कभी कभार अपने घर में खाना जरूर बनाइए और अपने फैमिली को बड़े प्यार से खिलाइए। तो इतने बड़े लेक्चर के बाद आप कुछ काम करना शुरू करते हैं और नेक्स्ट सेशन से हम बच्चों के लिए छोटे छोटे स्नैक्स और खाना बनाना शुरू करेंगे। और आप लोगों के सुझाव का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो भी अपनी रेसिपीज यहाँ पे शेयर करूंगी और अपने जो भी विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी वह पूरी तरह से मेरे अनुभवों के आधार पर है। मैं कोई फूड एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में एक बार फिर से। और नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे बच्चों के लिए खास कुकिंग। धन्यवाद।